चलिए शुरू करते हैं। ये करेक्टली स्पेल्ड की आपकी रहेगी दूसरी वीडियो, और कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, कैटलॉग तो पढ़ लिया था। चैलेंज की स्पेलिंग आप जानते हो, कॉलोजल ये मैंने बता दिया था, यहाँ डबल एल नहीं आता, सिंगल एल आता है। सिगरेट की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपरों में पूछी जाती है, सिंपल है बट आप सब लोग गलत लिखोगे इसको। आप तोड़ के याद करें, सिगरेट को सिगार, सिगार भी सिगरेट का एक टाइप होता है, सिगार, और उसके पीछे जोड़ दीजिए ई डबल टी ई, सिगरेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखें यहाँ से, आज डाइसेंट्री, डाइसेंट्री होता है पेचिस, जो दस्त वगैरह हो जाते हैं उसको बोलते हैं डाइसेंट्री। डाइसेंट्री में एक बार आपको ध्यान रखनी है, टी आर वाई नहीं होता, टी आर वाई नहीं होता, यहाँ दोनों ही जगह ई ई आता है, बाकी तो सिंपल है स्पेलिंग, डी वाई एस ई एन टी ई आर वाई, डाइसेंट्री मतलब होता है पेचिस। डायलॉग जानते हैं, संवाद, पिक्चरों में डायलॉग्स वगैरह बोलते हैं, इधर से एक बंदा, एक हीरो बोल रहा है, उधर से दूसरा हीरो बोल रहा है, तो इसको बोलते हैं डायलॉग। डाय मतलब दो, डी आई ए एल ओ यू, डिसीव, धोखा देना, सिंपल है। एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक तोड़ के याद कर लीजिए, एंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्साही, जो बहुत ज़्यादा उत्साह में होता है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है एक्लिप्स, एक्लिप्स वर्ड होता है ग्रहण, जैसे सूर्य ग्रहण होता है सोलर एक्लिप्स, और चंद्र ग्रहण होता है लूनार एक्लिप्स, तो एक्लिप्स का मतलब है ग्रहण वगैरह जो होता है। एटिकेट्स, मैनर्स जो होते हैं, एटिकेट्स, ई टी आई क्यू यू ई डबल टी ई, एटिकेट्स, ये सिंपल हैं, इंपॉर्टेंट है। फटीग, फटीग मतलब होता है थक जाना, तो इसकी स्पेलिंग याद करिए, एफ ए टी आई जी यू ई, सिंपल है। फुलफिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुलफिल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, एफ यू डबल एल कभी भी नहीं आएगा फुलफिल की स्पेलिंग में, यहाँ पे ये डबल एल, नहीं तो आप इसको गलत कर जाओगे। ये देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डबल एल नहीं आएगा, यहाँ पे सिंगल एल आएगा, और एफ आई एल ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है आपके कंपटीशन के लिए, अगर ये नहीं आए तो पीछे यहाँ पे एल एक और आ जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर सिंगल एल है वो ज़्यादा सही है, ये एल लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड है फॉरेनर, फॉरेन होता है विदेश, और इसमें ई आर लगा दो, बस बन गया फॉरेनर मतलब विदेशी, एफ ओ आर ई आई जी एन ई आर, फॉरेनर मतलब होता है विदेशी। गारंटी, जी यू ए आर ए एन टी डबल ई, गारंटी, सिंपल। हेडेक, सिरदर्द होता है। हाइजीन, हाइजीन का मतलब है जैसे साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, उसको बोलते हैं हाइजीन, एच वाई जी आई ई एन ई, तो सारी स्पेलिंग ये इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद कर लीजिएगा। जैसे इसमें फुलफिल की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, एटिकेट्स भी इंपॉर्टेंट है, डाइसेंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिगरेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए और थोड़ा सा ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ, कमेटी की, ये कमेटी की जो स्पेलिंग है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, कमेटी की जो स्पेलिंग है, ठीक है। आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, वाइनियल, बिजनेस, बाउंड्री, बफेलो, ये हर पेपर में पूछी जाती हैं, हर पेपर में, टेट में भी पूछी जाती हैं और हर पेपर में पूछी, कंपटीशन, कमीशन, इंटरेस्टिंग, कैलेंडर, आप देखिए इसको एक बार रिवीजन करिए, देखते हैं आपको आई कि नहीं आई। तो आज अभी इसमें इतना ही रखेंगे, अब नेक्स्ट पार्ट में अब बाकी चीज़ें हम इस पर रखेंगे, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।